Students, welcome in today's video. So today we are going to discuss about the allegation method. Yes, आज बात करेंगे allegation method की. So जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी कितनी importance है और ये आखिरकार है क्या और कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ी. देखिए, ये आपके university exam में तो पूछा जाएगा ही, पर ये competitive exam point of view से भी बहुत important है. जैसे कि GPAT में, NIPER, pharmacist और drug inspector में यहाँ से direct question आ सकता है. So, सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है आखिरकार एलिगेशन मेथड क्या होता है. व्हाट इज एक्चुअली एलिगेशन मेथड इज. सो एलिगेशन मेथड को हम ऐसे समझेंगे, अगर हमारे पास कोई एक प्रिपरेशन है, सेम प्रिपरेशन हैविंग डिफरेंट स्ट्रेंथ. यस, मैंने बोला डिफरेंट स्ट्रेंथ. जैसे कि अगर मेरे पास, मैंने बात की यहां पर, कोई एक सिमिलर प्रिपरेशन है और उसकी स्ट्रेंथ 20% है एक का और दूसरे का है 30% और हमें बनाना है 40%. तो इसी मेथड में, इस मेथड की हेल्प से हम ये 40% बनाना सीखेंगे. यस, 40% और कितने ml हमें 20% का चाहिए और कितने ml हमें 30% का चाहिए 40% बनाने के लिए, ये हमें बात करना है. सो चलिए, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम समझने वाले हैं. आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते जाएंगे. सो आर यू रेडी? सो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं. हियर वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन विच प्रोपोर्शन 50% और 30% एल्कोहल सॉल्यूशन शुड बी मिक्स्ड एज टू प्रिपेयर 20 ml ऑफ 40%. देखिए, मैंने बात की, यहां पे पूछा गया कि 50% का और 30% का कितना प्रोपोर्शन लें, कितने ml लें 50% का और कितने ml लें 30% का, जो हमें 20 ml मिल जाए 40% होनी चाहिए उसकी स्ट्रेंथ पर. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले हम जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, डरना नहीं है वैल्यूज को देख के, हमें पहले उसे समझना है और गिवन लिखना है. चलिए यहां पर लिख लेते हैं, पहले 50% होगा और फिर उसके बाद 30%. ठीक है, ये गिवन था, ये हमने लिख लिया. अब हमें रिक्वायर्ड कितना है, 40 चाहिए. ठीक है, हमने रिक्वायर्ड कर दिया इस तरीके से. अब मैं सिंपल से एक फर्स्ट स्टेप इस तरीके से लिखना है. अब मैंने अगर 50 में से 40 माइनस किया तो हमारे 10 और यहां पर भी 10 हो जाएगा. क्लियर हो गया, ये पहला स्टेप. और इसका सेकेंड स्टेप है, यहां पर टोटल कर दीजिए इसका. ठीक है, क्लियर हो गया. नाउ अब हमें पता करना है कि 50% का और 30% का कितने ml चाहिए 40% बनाने के लिए, वो भी 20 ml. ठीक है, चलिए वो बात कर लेते हैं. यहां पर 50 लिख लेते हैं. ठीक है, 50% इज इक्वल टू 50% का कितना ml, तो ये 10 यहां पर आ जाएगा, ये वाली 10 यहां पर आ जाएगा. और हमें बनाना कितना है, 20 ml बनाना है. ये लीजिए 20 ml और ये अपॉन ये टोटल, ये वाला टोटल. ठीक है, क्लियर हो गया. नाउ अगर मैं बात करूं, देखिए ये इससे मैंने काट दिया तो हमारा क्या बचा, 10 ml आएगा. तो 50 ml का, 50% का हमें 10 ml चाहिए. ठीक है, ऐसे ही हम 30% के लिए करेंगे. 30% के लिए करेंगे हम, यहां पर 10 लिख देंगे ये वाला वैल्यू और उसके बाद 20 हमें टोटल चाहिए और ये अपॉन 20. ठीक है ना, तो इसका कितना होगा, इसका भी 10 ml होगा. देखिए आंसर आपके सामने क्लियर हो चुका है, मतलब हमें 50 का भी 10 चाहिए और 30 का भी 10, इन दोनों का 10-10 ml लेकर हमारा 40% का 20 ml बन जाएगा. क्या ये बात क्लियर हो गई, 40% का 20 ml बन जाएगा. यही तो पूछा था, 20 ml बनाना था 40% का. तो ये है पहला क्वेश्चन. अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं और डिटेल से समझ लेते हैं. चलिए यहां पर दिया गया है इन विच प्रोपोर्शन 50% 30% सेम प्रोपोर्शन दिया है, पर यहां पर क्वांटिटी 100 ml है और सेम प्रोपोर्शन, सेम परसेंटेज दी है. फिर से वही करते हैं, 50% और यहां पर 30% हमें चाहिए, कितना बनाना कितना है ये हम सेंटर में यहां पर रिक्वायर्ड लिखेंगे. ठीक है, क्लियर हुआ. तो अब इसके बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे, यहां पर 10 आएगा, यहां पर 10 आएगा. ठीक है, अब देखिए 50% का हमें बनाना है, 50% का कितना चाहिए हमें, तो हम सिंपल सा पहले ये भी हमें टोटल करना था, यहां पर इसको टोटल कर दिया. अब हमें क्या करना है, ये हमारा 10 यहां पर आ जाएगा, दिस इज द वैल्यू. फिर हमें बनाना कितना है टोटल 100 ml, ये देखिए 100 ml यहां पर आ जाएगा और ये अपॉन 20 हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए ये हमने यहां से इसे
सॉल्व कर दिया, हमारा आया 5 और हमें 50 ml, ठीक है, 50 ml हमें 50% का होगा और 30 ml हमारा 30% कैसे, इस तरीके से, सेम इसी तरीके से होगा, दिस इज द 20 एंड यहां पर भी 50 ml. तो यहां पर बोला गया 50% का और 30% का हमें 50 ml चाहिए, तो हमारा 40% का 100 ml मिल जाएगा. ये बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से. सेम इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है. यहां पर परसेंटेज चेंज कर दी गई है, यहां पर 10% दे दिया गया है, 30% दे दिया है, रिक्वायरमेंट है 20 की, तो 20 ml सेंटर में लिखेंगे. इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, माइनस करके 10 आएगा, यहां पर 10 आएगा, ठीक है. अब इसको हम अगर 10% हमें चाहिए, 10% का कितना चाहिए, तो सिंपल सी बात, इसको टोटल कर दीजिए सबसे पहले. यहां पर टोटल हो गया, तो ये 10 यहां पर आ जाएगा, 10 बनाना कितना है 100 और ये टोटल 20, ठीक है. और इसको कर देंगे मेनली, ये भी सिंपल सी बात, 50 ml हमें 10% का चाहिए होगा और 30% का भी सेम रहेगा, ठीक है. 30% का भी हमें सेम ही करना है, तो ये भी सिंपल हो जाएगा, ठीक है. इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है. क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया अच्छे से. नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 5% और 3% दे दिया गया है यहां पर, अगेन वही बात करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से 5 और 3 बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं. 4% हमें चाहिए, इसको ऐसे कर सकते हैं, दिस इज द वन एंड दिस इज द वन, टोटल टू पार्ट्स, ठीक है, टोटल टू पार्ट्स. अब हमें 5% का कितना चाहिए, चलिए देख लेते हैं. 5% का ये यहां पर 1 हो गया, इनटू बनाना 20 है और टोटल, ये टोटल, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये अपॉन में आ जाएगा, तो हमें 10 ml 5% का चाहिए और उसी तरीके से 3% का भी हमें 10 ml चाहिए होगा, तब हमारा 4% का बनेगा. क्लियर हो गया है, बहुत अच्छे से समझना है, ऐसा नहीं है, बहुत टिपिकल है. एक बार आपने प्रोसीजर देख लिया तो ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं. चीजें क्लियर है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. सेम इसी तरीके से यहां पर दिया गया है 4%, 2% दिया गया है एंड हमें बनाना है 200 ml और 3% का बनाना है, 3% का बनाना है, तो वही जो हमें लिखना है सबसे पहले, जो हमें गिवन है वो लिखेंगे और फिर उसके बाद हम जो रिक्वायर्ड है 3% रिक्वायर्ड है, ठीक है. इसी तरीके से सेम सिंपल बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे. ये 2 हो जाएगा यहां पर. अगर हमें 4% का कितना चाहिए, 4% का 1 इनटू टोटल कितना 200 ml बनाना है, ठीक है, ये तो ऑब्वियस ही बात, तो ये हमें 100 ml, 100 ml हो गया, ये 100 ml आ गया 4% का, और ऐसे ही 2% का भी हमें 100 ml आ जाएगा, ठीक है. तो हम किसका बना देंगे, हम 3% का, कितना बन गया, 3% का 200 ml बन चुका है, ठीक है. 100 ml लेंगे 4% का और 100 ml लेंगे 2% का. क्या चीजें क्लियर हुई. तो यही आपका है एलिगेशन मेथड, समझ गए हैं, बहुत आसान है क्वेश्चन. आप न्यूमेरिकल लगाइए तो ये आराम से आपसे हो जाएगा, कोई इतना डरने वाली बात नहीं है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.